जब आप कैमरा ख़रीद लोगे और उसके बाद अलग से लेंस लेने जाओगे, तो उसकी भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि लेंस कितने तरह के होते हैं। कितने तरह के मतलब, जैसे कि जूम लेंस होता है, टेलीफोटो लेंस होता है, वाइड एंगल लेंस होता है, नॉर्मल लेंस होता है, ये सब तो अपनी जगह है। बट लेंस में दो बेसिक क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है ऑटो फोकस, नॉर्मली आजकल सभी ऑटो फोकस लेंस खरीदते हो आप, कि हमने कैमरे में लगाया, ऑटो फोकस किया, फ़ोटो खींचा, फ़ोटो आ गई। लेकिन दो तरह के लेंस होते हैं, एक में लेंस में मोटर होती है और एक में लेंस मोटर नहीं होती है। जो कैनन कैमरे हैं, कैनन में यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इसमें लेंस में मोटर है या नहीं है। कैनन कैमरे के 100% लेंसेस के अंदर मोटर लगी होती है। आप जैसे ही कैमरे को, लेंस को कैमरे में लगाते हो, आपको ऑटोमेटिकली फोकस होने लगता है। लेकिन जो नाइकॉन मॉडल्स हैं, नाइकॉन में जितने भी लेंसेस होते हैं उसमें दो तरह के लेंस होते हैं, एक में मोटर होती है और दूसरे में मोटर नहीं होती है। तो अगर आपको मालूम नहीं है कि इसमें मोटर है या नहीं है और आपने ख़रीद लिया, ख़ासतौर पे मैक्सिमम लोग अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से या अलग अलग साइट से भी मंगाते हैं, तो उसमें आपको धोखा होने के चांसेस हैं, क्योंकि लेंस के ऊपर ऑटो फोकस लिखा रहेगा, मतलब AF लिखा रहता है खाली। AF का मतलब होता है कि इट इज़ मेंट फॉर ऑटो फोकस कैमरा बट द लेंस इज़ नॉट ऑटो फोकस। जैसे कि ये वाला लेंस है, इस वाले लेंस के ऊपर नाइकॉन AF लिखा हुआ है, नाइकॉन AF 50। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटो फोकस तो है, लेकिन इसको कैमरे में लगाओगे तो मैनुअल फोकस करना पड़ेगा, या फिर आपका कैमरा ऐसा होना चाहिए जिसकी कि बॉडी में मोटर लगी हो। कैमरे भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका ये जो ऑर्डिनरी लेवल का कैमरा है, इसमें कैमरे की बॉडी के अंदर कोई मोटर नहीं होती है। ये जो कैमरा है, नाइकॉन के जो D90 सीरीज़ होती है, नाइकॉन की जो D77000 सीरीज़ होती है, उसमें बॉडी के अंदर भी मोटर होती है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी आइटम ख़रीदने से पहले, नहीं तो आप फंस जाओगे। ये देखो, मैंने ये लेंस लगाया, चेतन सामने आ जाओ, मैंने इधर आ जाओ, इधर, हाँ यहीं आ जाओ। देखो, ये फोकस हो गया है ना, जबकि ये लेंस ऑटो फोकस नहीं है, लेकिन इस बॉडी में मोटर लगी हुई है इसलिए ये फोकस हो गया। अब यही लेंस अगर मैं इस कैमरे में लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा, क्योंकि ये तो पहले से फोकस किया हुआ है, इस वाले कैमरे ने इसको फोकस कर दिया है, तो ये फोकस हो गया। अदरवाइज अब देखो, इसको अगर मैं फोकस करना चाहूँगा तो ये नहीं होगा फोकस, ठीक है ना। ये अब मुझे इसको अपने हाथ से फोकस करना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे करना पड़ेगा फोकस। अब क्या है, फोकस तो आप कर ही सकते हो, फोकस होना और फोकस नहीं होना के बीच में 10,000 रुपये का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ना। ये लेंस मैन्युअली फोकस होगा ऑर्डिनरी कैमरे में, उस चीज़ के लिए मेरे को 10,000 रुपये बच गए, ठीक है। अब मैं इसको अगर अपने इससे ले लेता हूँ फोकस करके, तो क्या दिक्कत है, कहीं भी खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये मैंने यहाँ से किया फोकस, शार्प फोकस हो गया, अब फ़ोटो खींच दूँगा मैं। तो अगर मान लो मैनुअल फोकस है तो किया जा सकता है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसे आपके बच जाएंगे। लेकिन मुझे ये जानना ज़रूरी है कि जो लेंस मैं ख़रीद रहा हूँ उसमें ऑटो फोकस सिस्टम है या नहीं है। तो बेसिकली अगर आपके लेंस के ऊपर AF-S लिखा हुआ है तो मतलब वो ऑटो फोकस है, एस मतलब सर्वो मोटर है उसमें। ये दो लेंस मैं दिखाता हूँ आपको एक जैसे, ये दो लेंस हैं,
देखने में दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। अब अगर आप इसको अमेज़ोन से मंगाओगे या फ्लिपकार्ट से मंगाओगे या इवन दुकान से भी लोगे, इस पर लिखो, दोनों में नाइकॉन एफ निकॉन लिखा है इसमें, नाइकॉन एफ निकॉन, ठीक है, और इसमें नाइकॉन एफ एस लिखा हुआ है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे नाइकॉन एफ निकॉन लिखा हुआ है मतलब वो ऑटो फोकस नहीं है, मतलब लेंस के अंदर बॉडी में मोटर नहीं लगी है। अगर इसके अंदर एफ के आगे एस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर मोटर लगा हुआ है, ये किसी भी कैमरे में काम करेगा। अब ये वाला लेंस जैसे मैंने लिया और इसको इसमें लगाया, ये बहुत अच्छे लेंसेस हैं, सस्ते भी हैं मार्केट में, ये भी बाद में जब पैसे हों किसी के पास तो ले सकता है, लेकिन अभी शुरुआत में एकदम से ज़रूरी नहीं है। जैसे ये लेंस है, इसमें भी आपको हाथ से फोकस करना पड़ेगा, ये रिंग घुमा के फोकस करना पड़ेगा, इसका ऑटो फोकस सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें हमने ये वाला लेंस लगा दिया, ये वाला ऑटो फोकस है, ये जो फोकस होता दिख रहा है ना, जैसे मैंने इसको पहले आउट कर दिया, मान लो फोकस एकदम से फोकस होता नजर आएगा आपको, ठीक है ना, जैसे ही फोकस हो जाएगा फोटो खिंच जाएगी। तो ये फर्क हुआ आपका एएफ एंड एएफ एस में। ये हमारे कई जानने वाले जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में धोखा हो गया, अमेज़ोन से उन्होंने मंगाया और हमारे पास लेके आए वो कि देखो साहब इसमें तो काम ही नहीं कर रहा है ये, जैसे ही मैंने देखा उसमें ये तो एएफ लेंस है, ये तो आपका काम नहीं करेगा उसमें, तो फिर उनको समझ में आया कि तो गलती हो गई हमसे। अब हो गई तो हो गई, क्या कर सकते, लेकिन कोई भी चीज़ लेने से पहले इसीलिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि जो मैं लेने जा रहा हूँ बदले में मुझे क्या मिलने जा रहा है, ठीक है। तो वैसे तो मैं किसी कंपनी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप कैनन का लेते हो कोई भी आइटम तो ये फ़ायदा रहेगा आपको, उसमें इस तरह का कोई धोखा होने का चांस नहीं है। कैनन का हर लेंस 100% विथ मोटर होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। अब कैनन और नाइकॉन में बेसिकली इन्होंने दो कैटेगरी बनाई क्यों है। अब आपने एक कैमरा ख़रीद लिया छोटा सा सस्ता सा, देखो नाइकॉन जो है हर बजट सेगमेंट के बारे में भी सोचता है। अब मैंने एक ऑर्डिनरी लेंस कैमरा ख़रीद लिया, ठीक है, अब मुझे एक प्राइम लेंस चाहिए, तो उसने मेरे लिए एक छोटा सा प्राइम लेंस बना दिया बिना मोटर वाला, तो मेरा 30,000 का कैमरा और 5,000 का लेंस, 40,000 में मेरा काम हो गया। वेरस यही अगर मैं वो वाला लेता मोटर वाला लेता तो 17,000 का आता, तो वहाँ मेरे 12,000 तो बचाए ना कंपनी ने। मुझे आज पैसे की कमी है लेकिन मैं खींच सकता हूँ, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं कि मेरे 100% ऑटो फोकस चाहिए, तो मैंने नॉन ऑटो फोकस ले लिया। तो ये फ़ायदा हो जाएगा उसमें कि आपको नॉन ऑटो फोकस भी लो बजट में मिल जाएगा, जो कि आपको कैनन में अवेलेबल नहीं है।